शहर में चल रहे महंगाई राहत तथा प्रशासन शहरों के संघ व प्रशासन गांवों के संघ शिविरों में आमजन के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं के लेकर गुरुवार शाम को उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक ली। बैठक के दौरान SDM सिंह ने शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किए जाने वाले स्थायी शिविरों में प्रशासन की ओर से की जाने वाली व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सौंपी। उपखंड अधिकारी ने उपस्थित सभी अधिकारियों को शिविर में उपलब्ध व्यवस्थाओं की चेकलिस्ट तैयार कर उन व्यवस्थाओं को प्रभारी रूप से लागू करने के निर्देश दिए ताकि शिविर में आने वाले आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। SDM सिंह ने बताया कि प्रशासन की ओर से शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में कुल 6 स्थायी शिविरों का आयोजन किया जाएगा जिनकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों का जिम्मा सौंपा गया है। बैठक में शिक्षा विभाग से हरेश लोंगवानी, दिलीप फुलवारी, हिम्मत सिंह, प्रताप सिंह चौहान, लेखपाल सिंह रावत, महेंद्र कुमार जागृत, महेंद्र सिंह पंवार, कुंदनमल वर्मा, प्रेम सिंह चौहान, भंवरलाल, संजय कुमार दग्दी, नंदकिशोर मदन सिंह तथा सोहनलाल आदि शिक्षकगण शामिल थे। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 6 स्थायी कैंप होंगे। सूची में सारे मीडिया चैनल्स को उपलब्ध करा दूंगा। इन स्थायी कैंप्स का पर्पस ये है कि वो लोकेशंस जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, फॉर एग्जांपल जवाजा पंचायत समिति हो गई, या आपका फतेहपुरी दोयम स्कूल हो गया, या गणेशपुरा हो गया, मीडिया हो गई, शहर में चांगेट हो गया, बस स्टैंड हो गई, तहसील हो गई, कोर्ट का परिसर हो गया। इन जगहों पे मैक्सिमम लोग आते हैं। कहीं से भी हो, कोई भी लोग हो, अगर वो लाभार्थी हैं तो वो आके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, पंजीयन कराएं और लाभ उठाएं। इन सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए और एक सिस्टम अच्छा सेट हो जाए, इसके लिए हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से आदेश अनुसार टीचर्स लगाए हैं जिनका काम होगा वो सारी चेकलिस्ट को चेक करेंगे, जैसे कि सारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, टेंट, पानी, छाए, एवरीथिंग, जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए वो है कि नहीं है। मान लो कोई इशू आता है, कोई प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, कंप्यूटर खराब हो गया, नेट नहीं चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, वो अपने चैनल के माध्यम से उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र है उनको, या सीधा मुझे नगर परिषद आयुक्त, तहसीलदार, वीडियो को अवगत कराए, ताकि कोई भी कैंप में कोई भी ऐसा हमें न्यूज़ ना आए कि सर यहाँ तो लोग परेशान हुए और काम नहीं हुआ। अब स्थाई कैंप में टेंडर अनुसार तो ये है कि राज्य सरकार से हमें प्रॉपर कैनोपी आएगी, बट इतनी डिमांड और भीड़ को देखते हुए प्रशासन का ये स्टेप था कि इसको तुरंत प्रभाव से चालू किया जाए। सही कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया होगा कि कहीं पर नेट का इशू आ रहा है, कहीं पर बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, वो हमारा प्रयास है कि आज शाम या कल तक मैक्सिमम सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, और कल के बाद कोई इशू आता है तो आप प्लीज़ हमारे पास लेके